କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଆ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାକି ଲୋକ ସେ ବି ଜବ ବାତ ହୋ ରହିଥି ତ ବୋଲ ରହେ ଥେ କି ଆପ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥେ ଅର ତଭି ମତଲବ ଆପ ଓହାଁ ପେ କାମ କରତି ଥି ଜଙ୍ଗଲ ମେ। मुझे मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं अपने अधिकारी तक इस बात को नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, और मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रही था तो मैं इसलिए कोई अधिकारी को सूचना देना उचित नहीं समझी, और मुझे गट्स था कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो मैंने ड्यूटी लगातार ऑपरेशन में रही। तो मैम जैसे कि कभी सोचे नहीं कि प्रेग्नेंट हूँ, दर्द होगा, काम कैसे करूँगी, ये सोच कभी मन में नहीं आया है? नहीं, मुझे ये सोच कभी मन में नहीं आया क्योंकि मेरे साथ पूरी मेरी टीम बैठी है और हम एक टीम गठन होकर जाते हैं और एक दूसरे का सबका ख्याल रखते हैं, तो मेरे साथ भी मेरी पूरी महिला टीम थी, तो मुझे अगर तकलीफ़ होता तो मैं कमांडर में लीड करती हूँ महिलाओं को, तो मुझे किसी प्रकार का दुख दर्द होता तो मेरी टीम है मेरे साथ में तो हेल्प हो जाता था। सच में ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, लेकिन मैम और एक बात, जैसे कि घर से आप काम करने जाते हैं तो घर परिवार को कैसे संभालते हैं? जी मेरे दो बच्चे हैं मैम, मेरी बेटी अभी 1 साल की है, जिस मुझे 6 महीने की प्रसूति अवकाश मिलती है तो मैंने प्रसूति अवकाश काटी, उसके बाद मैंने और 3 महीना और ली मतलब बेबी उसके लिए ली थी, तो और उसके बाद मैंने फिर ऑपरेशन ज्वाइनिंग किया क्योंकि मुझे जुनून है कुछ करने का, तो और करने का, देश की रक्षा करने का, हम निकलेंगे घर से तभी हमारे परिवार अच्छे से रहेंगे। हमारी भावना ये है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा पढ़ाई करता है, मेरी बेटी 1 साल की है, और हस्बैंड भी जॉब में है, नगर सेना कार्यालय में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, घर से बाहर जब मैं निकलती हूँ ड्यूटी की, यही सोच कर निकलती हूँ कि मैं निकल रही हूँ तो मेरा देश सुरक्षित है या मेरे परिवार सुरक्षित है। सुने ना मैडम को कथा सुनुले सतरे कथा सुणिले मत भी गर्व लगुच से 7 मासर गर्भवती जिते बड़े थे से ही समय भी जंगल भितर से काम करूले आ सबुठ खुशी लगुच गोटे महिला घर परिवार सह देशर सुरक्षा पाई भी से चिंता करुच्छी।